एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें सीमा और रीमा रहा करती थी। उनका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर दोनों बहनों की शादी करवाते हैं। रीमा और सीमा की शादी दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाले एक बड़े परिवार में सुमित और अमित के साथ पक्की हो जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले दोनों बहनों की शादी करवा देते हैं। सीमा और रीमा गांव वालों से विदा लेकर दिल्ली आ जाती हैं और अपना इतना बड़ा ससुराल देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीदी, कहीं मैं कोई सपना वपना तो नहीं देख रही? इस घर में हम दोनों की शादी हुई है, इतना बड़ा ससुराल है हमारा। दीदी, मेरे सपने में भी कभी इतने बड़े घर नहीं आते थे। बाप रे बाप, ये घर कितना बड़ा है। दीदी, गांव वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमारे लिए इतना बड़ा ससुराल ढूंढ कर दिया। हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। रीमा, मेरी आंखें तो अभी से चकाचौंध हो रही हैं। ये हमारा ही ससुराल है, हम इस घर में रहेंगे। वाह रे वाह, अपनी किस्मत को दाद देनी पड़ेगी। हमारे माँ बाप भी नहीं थे, फिर भी हमें इतना अच्छा ससुराल मिला, सिर्फ हमारे गांव वालों की वजह से। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। मम्मी, आप कैसी गवां लड़कियों को इस घर की बहू बना के लेकर आई हैं? आपको क्या पूरी दुनिया में सिर्फ गांव की देहाती देसी गवां लड़कियां ही भाइयों के लिए पसंद आई थी? देखो हमारे घर को कैसे घूर घूर के देख रही हैं। एक दिन हुआ नहीं और अपनी गवां पंती शुरू कर दी। देखिए नंद जी, आप हमें इस तरह से अपमानित नहीं कर सकती। इतनी देर से देख रहे हैं कि आप सासू माँ जी के कान में खुसुर पुसुर करे जा रही हैं, हमारे खिलाफ भड़काए जा रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रे नंद, भाभियों की अभी से नोकझोंक शुरू हो गई, अभी तक गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। नेहा बेटा, शांत हो जाओ। सीमा बहू, रीमा बहू, नेहा की बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। और जरा तुम भी थोड़ा ख्याल रखना। सुमित्रा अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। सीमा और रीमा घर के अंदर आ जाती हैं और अपने अपने रूम में जाकर अपना इतना बड़ा रूम देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीमा और रीमा को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वह 3 बजे उठकर नहा धोकर किचन में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर साफ सफाई करने लग जाती हैं। सीमा और रीमा के उठने की वजह से घर में खटर पटर होने लगती है, जिस वजह से नेहा की आंखें खुल जाती हैं और वह रीमा और सीमा के पास जाकर कहती है, तुम दोनों इस समय किचन में क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? अरे अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चुपचाप शांत एक जगह बैठ जाओ, दूसरों की नींद खराब क्यों कर रही हो? बर्तन गिरने की वजह से मेरी आंखें खुल गई। और ये क्या, ये काला काला क्या है? नेहा दीदी, हम तो अपने गांव में 3 बजे ही उठ जाया करते थे और ये काला काला, यह तो राख है, हम अपने सद गांव से लेकर आए थे। शहर में तो राख मिलती नहीं है ना, इसलिए राख से बर्तन साफ करने से बिल्कुल चमक उठते हैं और साबुन का भी खर्चा नहीं होता, साबुन के भी पैसे बच जाते हैं और बर्तन भी चमचमाते हैं। मेरी प्यारी गांव की देहाती भाभियों, आपको ये जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। भाई अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा गुजारा हो जाता है। आप साबुन से ही बर्तन साफ कीजिए, राख से करने की जरूरत नहीं है। देखो सारे में गंदगी हो रही है। नेहा दीदी, आपको पता है हम दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू हैं, जुगाड़ कर कर ही तो हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। और अगर 2 पैसे बचे जाते हैं तो इसमें गलत बात क्या है, अच्छी बात है, हमें पैसे बचाने चाहिए। देखिए हमारे राख से बर्तन साफ करने से 2 फायदे होंगे, एक तो बर्तन चमक उठेंगे और दूसरा साबुन के पैसे बच जाएंगे। और अगर वह पैसा आपको नहीं चाहिए तो हमें दे देना। उफ, मम्मी पता नहीं कहाँ से जुगाड़ू बहू को उठा के लेकर आ गई। करो तुम्हें जो करना है, लेकिन अब जाकर सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो। नेहा बड़बड़ाकर अपने रूम में आकर सो जाती है। सुबह को सीमा और रीमा सभी को नाश्ता करवाती हैं। सुमित और अमित ऑफिस चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुमित्रा अपनी दोनों बहू के पास आती है और उनसे कहती है, सीमा बहू, रीमा बहू, पड़ोस से कुछ औरतें आ रही हैं, लगभग 10-15 होंगी, उनके लिए खीर बना देना, वह तुम्हारे हाथ का मीठा खाना चाहती हैं, ठीक है? और आलू की सब्जी और पूरियां भी बना लेना। ठीक है बहू, मैं तुम्हें गांव से शहर लेकर आई हूँ तो थोड़ी मेरी इज्जत का ख्याल रखना, खीर और पूरी सब्जी अच्छे बना देना ताकि सोसाइटी में मेरा थोड़ा नाम हो जाए, ठीक है बेटा? सासू माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम सोसाइटी में आपकी नाक नहीं कटने देंगे, आपकी देहाती गांव की बहू आपको झुकने नहीं देंगी।
सुमित्रा ऐसा कहकर चली जाती है। सीमा और रीमा खीर सब्जी पूरी की तैयारी करने किचन में आ जाती हैं। सोसाइटी की औरतें भी आना शुरू हो जाती हैं। नेहा और सुमित्रा उन सभी मेहमानों को अटेंड कर रही थी और दोनों जुगाड़ू बहू किचन में काम कर रही थी, लेकिन उन्हें गोल गोल पूरियां बेलनी नहीं आती थी। बाप रे बाप, अब क्या होगा? रीमा तू तो जानती ही है कि मुझसे गोल पूरियां बेली नहीं जाती। हम दोनों बहन तो टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी पूरियां खा लिया करते थे, लेकिन यह ससुराल है ससुराल, और सासू माँ जी की इज्जत का भी सवाल है। टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग शेप की पूरियां नहीं बेल सकते, गोल गोल फूली फूली पूरियां होनी चाहिए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीमा कोई जुगाड़ तो सोच। दीदी मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आ रहा है, ये रहा गोल बर्तन। आप बेलिए और मैं इस गोल बर्तन से काट दूंगी और उसके बाद गोल गोल फूली फूली पूरियां बनकर तैयार हो जाएंगी। अरे वाह रीमा, तूने तो बहुत अच्छा जुगाड़ बिठाया है, मानना पड़ेगा तू तो छा गई, इससे एकदम गोल गोल पूरियां बनेंगी। आलू की सब्जी भी तैयार हो गई, गोल गोल फूली फूली पूरियां भी तैयार हो गई, खीर के लिए दूध भी गर्म हो गया। दीदी चावल नहीं मिल रहे, कहीं नजर ही नहीं आ रहे, चावल कहाँ हैं? रीमा मैंने पूरी किचन में चावल देखे हैं, लेकिन चावल की बोरी कहीं नजर नहीं आ रही। मैं अभी सासू माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि चावल कहाँ रखे हैं। दीदी आप बाहर नहीं जा सकती, सभी मेहमान आ चुके हैं और इस समय आप चावल पूछेंगी? सासू माँ जी को लग रहा होगा कि हमने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, वह गुस्से में भर जाएंगी। शादी के अगले ही दिन क्या सासू माँ से डांट खाना चाहती हो? खीर के लिए भी हमें कोई जुगाड़ सोचना होगा। दीदी हमेशा हमारे जुगाड़ काम आते हैं, हो सकता है कि ससुराल के अगले दिन भी हमें अपने जुगाड़ से ही काम चलाना पड़े। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब खीर के लिए हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं? दीदी रात का बहुत सारा भात बचा हुआ है, यह कब काम आएगा? देखिए खाना भी नहीं फिकेगा और ये काम में भी आ जाएगा। हमारे इस जुगाड़ से एक तीर से दो निशाने लगेंगे। और दोनों बहनें अपनी सास और ननंद से बिना पूछे किचन में जुगाड़ लगा लगा कर सब्जी पूरी और खीर बनाकर तैयार कर देती हैं और सोसाइटी की सभी औरतों को खिलाती हैं। खीर आलू पूरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे, सभी औरतें बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं। अरे वाह सुमित्रा बहन, आप तो बहुत अच्छी बहू लेकर आई हैं। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली गोल गोल पूरी बनाई हैं। हम तो ऐसी पूरियां अभी भी नहीं बना पाते। तुमने कावेरी बहन की बहू को देखा? खाना पकाना तो कुछ जानती नहीं है, स्वाद वगैरह तो है ही नहीं, रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग शेप की बनाती है। आपके तो भाग्य ही खुल गए जो आप इतनी अच्छी बहू लेकर आई हैं। गोल पूरियां, खीर भी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। सुमित्रा सोसाइटी की औरतों से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सभी पेट भरकर खाना खाकर चली जाती हैं। तभी सुमित्रा अपनी दोनों जुगाड़ू बहू से कहती है, सीमा बहू मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किचन में जो चावल की बोरी रखी थी वह तो कल ही खत्म हो चुकी थी और तुम्हें पता भी नहीं था कि और चावल कहाँ रखे हैं, फिर तुमने खीर कैसे बनाई और इतनी गोल गोल पूरियां? अरे वो सासू माँ जी, आपको पता है यह सब कुछ हम दोनों बहनों की जुगाड़ की वजह से हुआ है। रात का जो भात बचा हुआ था उसकी हमने खीर बनाई और गोल बर्तन से काट काट कर गोल गोल पूरियां बनाई। देखिए हमारे जुगाड़ की वजह से आपकी सोसाइटी में आपका कितना नाम हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि जुगाड़ बढ़िया होते हैं। What nonsense! ये क्या कह रही हो? तुमने रात के बचे हुए चावल की खीर बनाई? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको पता है बासी खाने से पेट खराब हो जाता है, और आपने सोसाइटी की सभी औरतों को बासी चावल की खीर बनाकर खिलाई, अब उन सबका पेट खराब हो जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें ये जुगाड़ करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मम्मी से पूछ नहीं सकती थी कि चावल कहाँ रखे हैं? तुम्हें ये जुगाड़ करना जरूरी था क्या? मैंने तुम्हें रात को भी समझाया था कि तुम्हें कंजूसी करने की जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। नेहा दीदी इसमें नॉनसेंस वाली क्या बात है? अगर दो पैसे बच जाएंगे तो इससे घर का ही भला होगा, और देखिए खाने की बर्बादी भी नहीं होगी, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम दोनों बहन तो हमेशा इसी तरह जुगाड़ कर कर नई नई चीजें खाते थे। अगर रोटी बच जाती थी तो तेल में सेक कर गर्म गर्म पराठे बनाते थे, और अगर चावल बच जाते थे तो उन्हें तेल में फ्राई कर कर तड़का लगा कर खाते थे। इससे खाना भी बर्बाद नहीं होता और दो पैसे भी बच जाते हैं, और नई तरह का खाना भी खाने को मिल जाता है।
देखो बहू, आज तो तुमने जुगाड़ कर लिया, लेकिन जुगाड़ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। देखो, जुगाड़ कभी कभी अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, और रही खाना बर्बाद होने की बात, तो खाना इतना ही बनाओ, जितने सदस्य हो तो खराब भी नहीं होगा। ज्यादा खाना मत बनाना, जिससे हमें तुम्हारे जुगाड़ से बासी खाना खाना पड़े। ठीक है। अपनी सास की बात मानकर सीमा और रीमा अपने दिमाग से जुगाड़ लगाना बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आदत से मजबूर वह किसी न किसी चीज में जुगाड़ लगाने की कोशिश करती रहती थी, जिस वजह से उन्हें अपनी नंद सास पतियों की बहुत बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन वह दो बात तो सुन लेती थी, लेकिन अपनी इस आदत को नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। नेहा की कुछ दोस्त आने वाली थी, तभी नेहा अपनी दोनों भाभियों से आकर कहती है, देखो भाभी, मेरी दोस्त आ रही हैं, उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए। और हाँ, प्लीज कोई जुगाड़ मत बिठाना, अगर दूध ना हो तो दूध मंगवा लेना, दही में चाय मत बना देना, और चीनी पत्ती भी देख लेना, कभी पता चले पता नहीं जुगाड़ लगाकर किस चीज की चाय बना कर लेकर आ गई। ओके। ऐसा कहकर नेहा चली जाती है। सीमा और रीमा नेहा के दोस्तों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में आ जाती हैं, लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है। और उधर नेहा नाश्ते का इंतजार कर रही थी और इधर गैस खत्म हो चुकी थी। अब दोनों बहन दुविधा में फंस जाती हैं। दूध, चाय की पत्ती, चीनी सब कुछ है, लेकिन अब गैस ही खत्म हो गया, अब हम चाय कैसे बनाएं? और नेहा दीदी के दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दे सकते, उन्हें चाय चाहिए। रीमा, अब हम चाय कैसे बनाएं? और पोहा भी तो बनाना है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, लगता है कि हमें नेहा दीदी के दोस्तों का नाश्ता भी जुगाड़ फिट कर ही बनाना पड़ेगा, लेकिन गैस खत्म के लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं? सोचो क्या जुगाड़ कर सकते हैं जिससे तुरंत नाश्ता तैयार हो जाए। एक जुगाड़ तो है मेरे पास, हम छत से ईंट लाकर चूल्हा बना सकते हैं, लेकिन लकड़ियां कहाँ से लेकर आएंगे? अरे हाँ, याद आया, सासू माँ के रूम में कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, हम वह लकड़ियाँ लाकर चूल्हा जला सकते हैं। दीदी, आप चूल्हे पर चाय बनाना और मैं प्रेस लेकर आती हूँ, प्रेस पर मैं पोहा तैयार करूँगी, इससे नाश्ता तुरंत तैयार हो जाएगा और हमें गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह दीदी, हम दोनों के दिमाग में कितना अच्छा जुगाड़ आया है। दोनों जुगाड़ू बहू अपने अपने जुगाड़ में लग जाती हैं। सीमा ईंट लाकर चूल्हा बनाकर चाय बनाती है और रीमा प्रेस पर पोहा बनाती है। चूल्हा जलने की वजह से घर में धुआं हो जाता है और नेहा की एक दोस्त को धुएं से एलर्जी थी, जिस वजह से उसकी आवाज बंद हो जाती है और दूसरी दोस्त नेहा के ऊपर बहुत चिल्लाती है। अरे यार नेहा, तुझे पता है ना काव्या को धुएं से एलर्जी है, और तेरे घर में धुआं आ कहां से रहा है? देखना इसकी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है। घर के सभी लोग और नेहा और उसके दोस्त सब किचन में आकर देखते हैं तो चूल्हा जल रहा था, जिसे देखकर नेहा चिल्लाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी जी, ये आप क्या कर रही हैं? गैस होते हुए भी आप चूल्हा क्यों जला रही हैं? ये आपका गांव नहीं है, यह शहर है, शहर, और आप ऐसे घर में चूल्हा क्यों जला रही हैं? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो नेहा दीदी, गैस खत्म हो गई थी और आपके दोस्तों को नाश्ता देना था, इसलिए हमने अपने जुगाड़ से चूल्हा बना लिया और उस पर चाय बना रही थी। और देखिए, रीमा प्रेस पर पोहा बना रही है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और हमने आपसे मना भी किया था कि आपको अपने जुगाड़ नहीं चलाने चाहिए, जुगाड़ नहीं लगाने चाहिए, लेकिन आप अपने जुगाड़ लगाने से बाज नहीं आती। और देखिए, आपके इस जुगाड़ की वजह से मेरी एक दोस्त की कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, और घर में सिर्फ एक सिलेंडर तो नहीं है, दो सिलेंडर है, अगर एक खत्म हो गया था तो दूसरा लगा लेती, लेकिन नहीं, आपको तो बस अपना दिमाग चलाना है, जुगाड़ फिट करना है। हाँ हाँ बहू, अब तो बहुत हो गया, जब देखो हर चीज में जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, तुम्हारे हर चीज में जुगाड़ करने की आदत से मैं परेशान हो चुकी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं पूरा परिवार परेशान है। मम्मी, आप इन दोनों को इनके गांव भेज दीजिए, ये गांव में रहने के लायक हैं। अब तुम दोनों गांव में अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना और वहां जुगाड़ फिट करना और जुगाड़ वाली जिंदगी जीना, क्योंकि तुम्हें शहर की अच्छी जिंदगी तो जीनी नहीं है, इसमें भी जुगाड़ फिट करना है, जबकि तुम्हारे सामने एक इतनी अच्छी जिंदगी पड़ी है। नेहा दीदी, लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, लेकिन हमें इस घर से बाहर मत निकालो, आज के बाद हम कभी भी जुगाड़ नहीं लगाएंगे, जो काम जिस तरीके से होता है उसी तरीके से करेंगे, जुगाड़ नहीं लगाएंगे।
तुम दोनों को कोई इस घर से नहीं निकाल रहा, तुम्हें समझ में आ गया, बस इतना ही काफी है। जुगाड़ अच्छी चीज है, लेकिन हमेशा हर चीज में जुगाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन घर में साबुन हो तभी मिट्टी का इस्तेमाल करना ये गलत बात है। सिलेंडर हो फिर भी चूल्हा जलाया जाए ये गलत बात है। अब तुम दोनों का भी जुगाड़ नहीं लगाओगी जब तक बड़ी कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है। रीमा और सीमा समझ जाती हैं कि वह अपने जुगाड़ लगाने की वजह से अपना घर बर्बाद कर रही हैं, इसलिए वह अपने दिमाग से जुगाड़ नाम का शब्द डिलीट कर देती हैं और वह अपनी सास और ननद से शहर के तौर तरीके सीखती हैं और उस रंग में रंगने की पूरी कोशिश करती हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी अपने ससुराल में व्यतीत करती हैं।